हेलो दोस्तों, लैपटॉप मास्टर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त निशांत आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो एक नए लैपटॉप के साथ। लैपटॉप तो आज समझ ही गए होंगे। जी हाँ, जो वीडियो आज हम बनाने जा रहे हैं वो एचपी के ओमेन लैपटॉप की है। जी हाँ, जैसा कि आजकल डिमांड गेमिंग लैपटॉप्स की काफी बढ़ गई है और कंपनीज भी नए नए गेमिंग लैपटॉप्स लॉन्च करती जा रही है। अभी हमने पीछे एक वीडियो अपलोड करी थी जो लिनोवो की थी 24GB रैम के साथ। जी हाँ, आज हम आपके लिए लेके आए हैं ओमेन के अंदर i7 14th जनरेशन लैपटॉप। देखिए, अल्ट्रा सीरीज का टाइम शुरू हो चुका है लेकिन फिर भी एचपी ने अभी 14th जनरेशन लैपटॉप लॉन्च किया है और इसकी मार्केट में डिमांड भी काफी है। आज हम इस लैपटॉप को अनबॉक्स करेंगे, रिव्यू करेंगे। कहीं मत जाइएगा, वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। इसका बैक पैनल भी आपको ओपन करके दिखाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये लैपटॉप हमें एचपी इंडिया से मिला है और जिस डीलर के थ्रू हमें ये लैपटॉप मिला है वो दिल्ली के अंदर करोल बाग में ओमेन प्लेग्राउंड। जी हाँ, एचपी वर्ल्ड ओमेन प्लेग्राउंड से हमें ये लैपटॉप मिला है जो दिल्ली का वन एंड ओनली हाइब्रिड स्टोर है। और सबसे बड़ी बात है, आपको यहाँ पे गेमिंग के सारे लैपटॉप्स मिल जाएंगे, विक्टस हो या ओमेन हो, पूरी वैरायटी आपको इसमें मिलेगी और ऑफर्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। कभी आपने एचपी लैपटॉप लेना है तो आप इस स्टोर पे जरूर विजिट कर सकते हैं। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा लैपटॉप चैनल मास्टर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो आप जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, करते हैं लैपटॉप को अनबॉक्स। तो दोस्तों, लैपटॉप हमने अनबॉक्स कर लिया है कि हमेशा की तरह, जैसे कि आप ये देखेंगे प्रीमियम पावर कोड है। लेंथ भी आपको हमेशा ओमेन के लैपटॉप्स के साथ जो पावर कोड आती है उसकी ज्यादा मिलती है, अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर के आसपास आपको इसकी लेंथ मिलेगी। ये अडेप्टर है, जी हाँ, किसी को सर पे मत पाना, फट जाएगा उसका सर। इतना हैवी अडेप्टर है, 230 वाट का अडेप्टर आपको इसके अंदर मिलता है। अगर हम पिन की बात करेंगे तो यूएसबी नहीं है, नॉर्मल पिन आपको इसमें मिलेगी। देखिए, अगर हम देखें, ये तो ओमेन का ये हो गया और ये हमारा लैपटॉप है। एक कलर की बात करें तो शेडो ब्लैक कलर आपको इसमें मिलता है। बिल्ड क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त बिल्ड क्वालिटी होती है हमेशा। जब भी आप एचपी के ओमेन लैपटॉप पे आप देखेंगे ना, तो सबसे प्रीमियम क्वालिटी के लैपटॉप में से एक लैपटॉप आता है ये, और जबरदस्त बिल्ड क्वालिटी आपको इसमें मिलती है। हम इसको एक हाथ से ओपन कर सकते हैं, यानी देखिए एक हाथ से हम बहुत ही इजीली ओपन कर लिया। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैं मोस्टली वीडियोस में बताता हूं, कभी भी आपने लैपटॉप ओपन करना हो तो हमेशा सेंटर से ही ओपन करिएगा, साइड से ओपन कभी भी मत करिएगा। अब मैं आपको एक इसकी साइड में एक चीज और भी दिखाता हूं, आप नोट करिएगा। जैसे हमने लैपटॉप खोला तो अगर हम बात करेंगे वॉबलिंग की, तो आपने इसमें वॉबलिंग देखी बिल्कुल नहीं देखने को मिली आपको। वॉबलिंग मतलब जब भी हम लैपटॉप ओपन करते हैं वो कई बार काफी हिलते हैं। ये लैपटॉप की स्क्रीन है जो हमने ओपन करी, तो ये लैपटॉप की हमारा स्क्रीन श्रिंक नहीं करी। देखिए, अगर हम लैपटॉप को उठाते हैं, इसकी वेट की बात करते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली आपको ये लैपटॉप 2.4 kg का मिलता है। जी हाँ, गेमिंग लैपटॉप है वो भी ओमेन, तो आपको वेट तो इसमें हमेशा ज्यादा मिलेगा ही। लेकिन अगर आप इसकी स्लीकनेस देखें, तो पहले जितने भी गेमिंग लैपटॉप्स आते थे, अगर आप आज से 4-5 साल पहले चले जाएं, तो बहुत ज्यादा हैवी होते थे, उनकी थिकनेस बहुत ज्यादा होती थी। काफी लाइट वेट हो चुके हैं, थिकनेस भी काफी कम हो चुकी है इसकी। आप देखेंगे बैक में पूरा एग्जॉस्ट आपको इसमें मिलता है, 2 फैन लगे हुए होते हैं। जब लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करेंगे तो आपको दिखाएंगे भी। ये कूलिंग के लिए आपको मिलता है, क्योंकि देखिए प्रोसेसर भी HX प्रोसेसर है, हैवी प्रोसेसर है इसके अंदर, और ग्राफिक्स भी लगा हुआ है 8GB 4060 RTX। तो डेफिनेटली जब आप वर्क करेंगे, ज्यादा हैवी वर्क करेंगे, तो हीट करेगा ही करेगा, लेकिन उसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट होता है गेमिंग लैपटॉप के अंदर। हीट सिंक भी बहुत बेटर होता है और डबल फैन और काफी हैवी फैन आपको मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, लैपटॉप के पोर्ट्स देखते हैं, लैपटॉप को बूट अप करते हैं, इसके कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे और उसके बाद आपको लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करके दिखाएंगे। अगर हम इसमें बात करें पोर्ट की, तो देखिए लेफ्ट साइड में आपको सिर्फ एक पोर्ट देखने को मिलेगा, वो एक पोर्ट है आपका यूएसबी। जी हाँ, यूएसबी आपका लेफ्ट साइड में सिर्फ एक ही पोर्ट है, यूएसबी टाइप ए। अगर हम दूसरी तरफ बात करेंगे तो वहां आपको 3 पोर्ट देखने को मिलते हैं, जिसमें एक पोर्ट है 3.5 mm का ऑडियो जैक, जिससे आपका हेडफोन माइक आप कनेक्ट कर सकते हैं, और 2 आपको मिलते हैं यूएसबी टाइप सी। जी हाँ, यूएसबी टाइप सी 2 पोर्ट हैं आपको जो इसमें मिलते हैं, 40 Gbps सिग्नलिंग रेट के साथ आपको यूएसबी पावर डिलीवरी भी मिलेगा, डिस्प्ले पोर्ट 1.4 भी इसमें आपको मिल जाएगा। अगर हम बैक साइड में देखते हैं, बैक साइड में भी आपको इसमें 4 पोर्ट मिल जाते हैं, जिसमें सबसे पहला पोर्ट आपको मिलेगा यूएसबी टाइप ए 5 Gbps सिग्नलिंग रेट के साथ, एक आपको मिलता है HDMI
2.1 एलईडी टीवी प्रोजेक्टर कनेक्ट करने के साथ करने के लिए, और फिर आपको मिलेगा RJ45। हर गेमिंग लैपटॉप में आपको RJ45 कनेक्टर मिलता है 10x100x1000 के साथ, और एक आपको मिलेगा पोर्ट लैपटॉप चार्ज करने के लिए। जी हाँ, चार्जिंग पोर्ट आपको इसमें मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले बात करेंगे प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर इसमें आपको मिलता है इंटेल कोर i7 14 जनरेशन 14650 14650HX इसमें आपको प्रोसेसर मिलेगा। देखिए 14 जनरेशन है, HX प्रोसेसर है, प्रोसेसर i7 है, सबसे वन ऑफ द हाईएस्ट प्रोसेसर आपको इसमें मिलता है i7 सीरीज में, जिसकी बेस स्पीड 2.2 GHz है और टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आता है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसकी आपको मिलेगी 5.2 GHz। कोर्स इसमें आपको मिलते हैं 16, जिसमें से आपको 8 आपको परफॉर्मेंस कोर मिलेंगे और 8 एफिशिएंट कोर मिलेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा 16 कोर आपके परफॉर्मेंस कोर नहीं है, 16 परफॉर्मेंस होते हैं, 16 कोर है, 8 परफॉर्मेंस कोर है, 8 एफिशिएंट कोर है। और हमेशा ये भी याद रखिएगा AMD के प्रोसेसर्स के अंदर जितने भी कोर्स आते हैं वो हमेशा परफॉर्मेंस कोर आते हैं, ये सिर्फ इंटेल के प्रोसेसर्स में होता है जो आपको कोर्स अलग अलग मिलेंगे। जो एफिशिएंट कोर है उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको 3.7 GHz ही मिलेगी, वो आपकी 5.2 GHz तक नहीं जाते हैं। लॉजिकल प्रोसेसर की बात करेंगे तो 24 होते हैं, और आप L3 कैशे की बात करेंगे तो 30 MB L3 कैशे आपको इसमें मिलती है। रैम 16 GB DDR5 5600 MHz आपको इसमें मिलती है। इसमें इनबिल्ट रैम है या आपको अलग से लगानी पड़ेगी, ये जब हम लैपटॉप ओपन करेंगे तब आपको दिखाएंगे। काफी लोग ये स्क्रीन देखने के बाद समझ चुके होंगे, लेकिन जो नहीं समझे उनको हम जब दिखाएंगे जब लैपटॉप हम बैक पैनल ओपन करेंगे। डिस्क की बात करते हैं हाइनेक्स की, इसमें आपको रैम SSD मिलती है 1 TB की, जिसकी कैपेसिटी आपको 954 GB मिलेगी। जी हाँ, जेन 4 की SSD आपको इसमें मिलती है। SSD अपग्रेड होगी या नहीं होगी वो भी हम लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करेंगे तब आपको दिखाएंगे। यहाँ पे ग्राफिक्स है इंटेल USD ग्राफिक्स, जो मायने नहीं रखता है गेमिंग लैपटॉप के अंदर। जो हमारा मायने रखता है वो है NVIDIA GeForce RTX 4060। जी हाँ, 8 GB DDR6 आपको इसके अंदर ग्राफिक्स मिलता है, शेयर्ड ग्राफिक्स भी 8 GB है, टोटल 15.9 GB। देखिए जो हमारा मेन ग्राफिक्स है इसके अंदर 4060 ग्राफिक्स है, जो HP ने अपने इस Lenovo लैपटॉप में दिया है। अगर हम इसकी वाईफाई की बात करने से पहले मैं आपको इसका TGP दिखा देता हूँ। अगर हम पावर फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे ग्राफिक्स की, जो हमारी काफी इंपॉर्टेंट होती है, तो देखिए जो वो है आपकी मैक्सिमम ग्राफिक्स पावर है वो है 135 वाट की। जी हाँ, 135 की इसकी मैक्सिमम ग्राफिक्स की पावर है। और अगर हम बात करेंगे इसकी वाईफाई की, तो वाईफाई आपको 6E मिलेगा, ब्लूटूथ 5.3 आपको इसमें मिलता है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जो वॉइस क्वालिफिकेशन पढ़ते हुए अभी जो वॉइस हमने रिकॉर्ड करी है वो हमने इसी लैपटॉप के माइक से रिकॉर्ड करी है, जिससे आपको इसके माइक की क्लैरिटी भी पता चल जाए। बात करेंगे डिस्प्ले की, तो इसमें HP ने जो दिया है वो है 16 इंचीज का डिस्प्ले फुल HD 1920x1080 144Hz इसमें आपको डिस्प्ले मिलता है। IPS डिस्प्ले है, माइक्रो एज है, एंटी ग्लेयर है, 300 निट्स का डिस्प्ले है, और 62.5% sRGB इसमें आपको मिलती है। अगर हम कैमरे की बात करें तो इसमें आपको HP True Vision 1080p फुल HD कैमरा मिलता है विद टेम्पल नॉइस रिडक्शन के साथ, और इसमें आपको मिलते हैं इंटीग्रेटेड डुअल एरे डिजिटल माइक्रोफोन। तो चलिए दोस्तों लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करके आपको दिखाते हैं गेमिंग लैपटॉप, उसके अंदर पार्ट्स कहां कहां क्या क्या लगे हुए हैं और अपग्रेड क्या क्या हो सकता है। देखिए लैपटॉप खोलते ही आपको हमेशा गेमिंग लैपटॉप के अंदर पहले फैन दिखाई देते हैं, क्योंकि बड़े बड़े फैन लगे होते हैं। वैसे भी ये तो ओमेन लैपटॉप है। जी हाँ, HP का जो सबसे हैवी गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं वो ओमेन सीरीज में आते हैं, जो आज हमने अनबॉक्स किया है। यहाँ दोनों फैन लगे हुए हैं, दोनों अटैच हैं हमारे प्रोसेसर से, जो एक i7 14 जनरेशन है और ग्राफिक्स है 4060 8 GB। जी हाँ, दोनों कनेक्टेड हैं हमारे फैन के साथ, प्रोसेसर भी और ग्राफिक्स भी। यहाँ पे आप देखेंगे दो रैम आपको देखने को मिलेगी, 8 GB की दो रैम लगी हुई है, 8 GB की दो, यानी हमने देखा था 16 GB रैम थी, 8 GB की दो। आप इजीली अपग्रेड कर सकते हैं, ये लैपटॉप 64 GB तक अपग्रेड हो सकता है बहुत इजीली। आप 32 GB की दो रैम लगा सकते हैं। यहां हमारी एक SSD लगी हुई है 1 TB की Gen 4 NVMe, यहां पे एक स्लॉट और
ओमिन में मिलता है आपको, एचपी ने दे रखा है, जहां पे आप अगर एसएसडी अपग्रेड करना चाहे तो यहाँ 1 TB की आप एक और लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। अगर हम बैटरी की बात करें तो 6 सेल की बैटरी आपको इसमें मिलती है 83 वर्क आवर्स के साथ। इसका बैकअप देखिए काफी अच्छा बैकअप होता है, लेकिन गेमिंग लैपटॉप है तो नेचुरल आपका गेमिंग लैपटॉप में बैकअप थोड़ा सा कम हो जाता है। यहाँ पे आपको 2 स्पीकर मिलते हैं और यहाँ आपका एक वाईफाई लगा हुआ है जो आपका थोड़ा सा फैन के नीचे छुप रहा है, Wi-Fi 6E और Bluetooth 5.3 इसमें आपको मिलता है। तो देखा जाए ओवरऑल आप इसमें रैम भी अपग्रेड कर सकते हैं, एसएसडी भी अपग्रेड कर सकते हैं। और देखिए हमेशा कंफ्यूज कभी भी आप मत होइएगा कि गेमिंग लैपटॉप में ही आपको अपग्रेडेशन की ऑप्शन ज्यादा मिलती है, नॉर्मल लैपटॉप में आपको नहीं मिलती। और हाँ, अगर आप बहुत स्लीक लैपटॉप्स जैसे हम अपना एचपी के अंदर देखते हैं, एनवी स्पेक्टर या डेल में देखते हैं, एक्सपीएस या लेनोवो में देखते हैं, आपका योगा, इन लैपटॉप्स बहुत स्लीक लैपटॉप्स होते हैं, इनके अंदर अपग्रेडेशन की ऑप्शन हमेशा बहुत कम होती है और गेमिंग में हमेशा ज्यादा। दोस्तों आज हमने अनबॉक्स किया एचपी ओमेन WF1096TX। जैसे कि हमें पता है ओमेन गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं, एचपी के सबसे पॉपुलर मार्केट के अंदर हमें लैपटॉप मिलते हैं वो एचपी ओमेन के होते हैं। आज हमने जो ओपन किया वो है i7 में 14th generation जो अभी लास्ट मंथ ही एचपी ने लॉन्च किया है। कॉन्फ़िगरेशन में देखिए 16 GB रैम है, 1 TB SSD है और देखा हमने वो अपग्रेड भी आप कर सकते हैं, अपग्रेडेशन की पूरी ऑप्शन एचपी ने इसमें आपको दी है। हमने स्क्रीन भी देखी, 144Hz की स्क्रीन है। हमें सिर्फ इसमें एक जो कमी लगी, मैं इसमें एक भी नहीं, मैं इस लैपटॉप के अंदर 2 कमी कहूंगा जो मुझे फील हुई कि इस रेंज के अंदर, इस मॉडल के अंदर वो एचपी को नहीं करना चाहिए था। जो पहली इसमें हमने देखा, स्क्रीन हमें 62.5 sRGB मिली, जबकि हमेशा हमें इसमें 100% sRGB मिलनी चाहिए। देखिए कोरल फोटोशॉप यूज करने वाले भी लोग गेमिंग लैपटॉप यूज करते हैं, ओमेन लैपटॉप, क्योंकि उन्हें ग्राफिक्स की जरूरत होती है और उन्हें 100% कलर एक्यूरेसी चाहिए होती है। और जब आप 62.5% sRGB यूज करते हैं तो थोड़ा बहुत एक्यूरेसी में फर्क रहता है। एक कमी मुझे यहां पे देखने को मिली, दूसरी हमें देखने को मिली इसकी कीबोर्ड में, इसका कीबोर्ड बैकलिट तो है लेकिन जो हम चाहते हैं sRGB मिले, लेकिन इसमें 1 zone आपको व्हाइट कीबोर्ड मिलता है जो कि sRGB नहीं है। और इस प्राइस रेंज के अंदर इस कॉन्फ़िगरेशन में हर कोई ये उम्मीद करता है कि उसको sRGB मिले। तो यहां ये मुझे 2 कमियां इस लैपटॉप में देखने को मिली जो मैंने आपके साथ शेयर करी। बाकी अगर मैं बात करूं तो इस लैपटॉप में आपको कहीं भी कोई भी कमी नहीं मिलेगी। देखिए 8 GB का आपको 4060 ग्राफिक्स मिल रहा है NVIDIA, 16 GB DDR5 आपने देखा, 5600 की आप मेगा की इसमें रैम आपको, जो आप इजीली अपग्रेड कर सकते हैं 64 GB तक। अगर हम बात करें इसकी प्राइसिंग की भी, 1,34,000, 1,35,000 या 1,40,000 के आपको के आसपास आपको मिल जाएगा। अगर आपने प्राइस पता करना हो तो जहां से हमें ये लैपटॉप मिला है वो दिल्ली के अंदर इकलौता हाइब्रिड स्टोर है जो ओमेन प्लेग्राउंड प्लस लाइफस्टाइल दोनों है। आपको यहाँ पे सारे एचपी के लैपटॉप्स मिलते हैं और खासतौर से गेमिंग लैपटॉप से एक्साइटिंग ऑफर्स भी होती है। जब भी आप लैपटॉप लेने की सोचें, अगर आप दिल्ली में है तो इस लैपटॉप स्टोर पर आप जरूर विजिट करिएगा, प्राइसिंग भी यहाँ पे आपको काफी अट्रैक्टिव मिलेगी। अगर मैं इस लैपटॉप की बात करूं तो लैपटॉप के साथ आपको 1 ईयर ऑन साइट वारंटी मिलती है। अगर आप अपग्रेड कराना चाहें तो अपग्रेड कर सकते हैं, टाइम टू टाइम ऑफर चलती रहती है। जैसे अभी बैक टू कॉलेज ऑफर चल रहा था तो एचपी इसमें 2,999 में आपकी वारंटी अपग्रेड करके दे रहा था 2 ईयर्स एक्स्ट्रा, यानी 1+2। और अगर आप एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन लेना चाहे तो वो भी एचपी इसमें 7,999 में 3 ईयर्स की एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन भी आपको दे रहा है। और अभी जब बैक टू कॉलेज ऑफर चल रही है तो एचपी इसके साथ बहुत ही नॉमिनल प्राइस इसके अंदर, आई थिंक 2,499 में हाइपर एक्स का, जी हाँ, जो एचपी का हाइपर एक्स का गेमिंग हेडफोन और माउस आते हैं वो भी आपको इसमें फ्री मिल जाएगा। फ्री तो नहीं, बहुत नॉमिनल चार्जेस पे आपको एचपी इसमें दे रहा है। और देखिए जैसे मैंने आपको बताया इसमें अभी जो ऑफर चल रही है 2,999 में 2 ईयर्स एक्स्ट्रा और 8,000 में 3 ईयर्स ADP, ये आपको, अगर आप ADP ले रहे हैं तो आपको 2,999 पे करने की जरूरत नहीं होती है जो आज की डेट में अभी HP ऑफर दे रहा है। और मैं आपको ये बता दूं कि जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं, अगर आपने वारंटी लेनी है तो वो HP की ही लीजिएगा, एक्सटेंडेड वारंटी, कभी भी थर्ड पार्टी मत लीजिएगा। काफी मार्केट के अंदर काफी लोग हैं जो 13,000 रुपए की एक्सीडेंटल बेच रहे हैं, कोई 12,000 की, कोई 10,000 का। एक तो प्राइस ऑलरेडी ऊपर है और वो मिलेगी भी नहीं आपको। हमने काफी देखा है मार्केट के अंदर लोग परेशान होते हैं, काफी हमारे पास कॉल्स भी आते हैं कि जी हमने 13,000 रुपए की वारंटी ली थी वो हमें नहीं मिल रही है। तो वो इसीलिए मैं हमेशा हमेशा आपसे यही कहता हूं, आपका देखिए काफी
काफी मेहनत का पैसा होता है और आप अगर वो वेस्ट हो जाता है जब आप थर्ड पार्टी वारंटी लेनी है, तो आप कोई भी ब्रांड का वो लैपटॉप ले रहे हैं, इवन चाहे आप लेनोवो ले रहे हो, चाहे आप आसूस ले रहे हो, चाहे डेल ले रहे हो, चाहे एचपी ले रहे हो, वारंटी सिर्फ आप कंपनी से ही अपग्रेड कराइए, आप बाहर कभी मत कराइएगा। और ये भी बता दूं काफी कंपनीज जो एक्सीडेंट डैमेज प्रोटेक्शन बाहर नहीं देती हैं, या आप ऑनलाइन लैपटॉप लेते हैं या आप ऐसे ही जगह से लेते हैं जहां मल्टी ब्रांड्स होता है, वो लोग आपको एक्सीडेंट डैमेज प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हैं कंपनी का। इसलिए जब भी आप लैपटॉप लें तो कोशिश करिएगा एक्सक्लूसिव स्टोर से ही आप लैपटॉप लीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हाँ अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, आगे भी हम ऐसी नई नई वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे बेल आइकन अगर आप प्रेस करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। अगर फिर भी आपकी कोई कंफ्यूजन रह गई है तो आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं, हमने एक दिल्ली के अंदर काफी स्टोर्स पे के नंबर आपको इसमें नीचे दे रखे हैं, कभी भी आप लैपटॉप लेना है तो इन स्टोर्स पे आप कॉल करके आप रेट पता कर सकते हैं, जहां भी आपको बेटर रेट मिले आप ले सकते हैं। और मैं यही कहूंगा ओमेन या गेमिंग कोई लैपटॉप लेना है तो दिल्ली के अंदर करोल बाग स्टोर पे जरूर विजिट करिएगा, ये दिल्ली का सबसे बड़े स्टोर में से एक है और इकलौता हाइब्रिड स्टोर है जिसमें ओमेन प्लेग्राउंड प्लस आपका लाइफस्टाइल भी है। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ एक नए लैपटॉप के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।